प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब आम लोगों पर बोझ डालने वाले निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिससे डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। शिमला में अब डीजल 89.11 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश के कारण आई आपदा से हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई है, इसीलिए सभी लोग आपदा की घड़ी में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी आपदा कोष में दे दी है और अधिकारी व कर्मचारी भी 1 दिन का वेतन दे रहे हैं। बढ़ाना पड़ा है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, नुकसान हिमाचल को काफी हुआ। नहीं, बैट बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 घंटे के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी, और सभी अधिकारी कर्मचारी बिजली बोर्ड के लोगों का, और जो हमारे और कर्मचारी जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है। और इस जब सब लोग सरकारी कर्मचारी है, सारे हिमाचल के लोग बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन की पे दान कर दी है, MLO ने 1 महीने की पे दान कर दी है, तो सब जब इस आपदा के समय में सब लोग साथ दे रहे हैं। तो जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है, तो हमने उसको पैरेलल किया। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया, क्योंकि पिछली सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, उन्होंने चुनावों के वक्त 7 रुपए बैट कम कर दिया था कि चुनावों में हम इसका फायदा मिलेगा। हम चुनावों को ध्यान में रख के कार्य नहीं कर रहे, हम कार्य कर रहे कि इस समय प्रदेश को, जनता को राहत मिले, प्रदेश के लोगों को राहत मिले, इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। और हम प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस दिशा से हम नीतिगत आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौसम पर तो किसी का बस चलता नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। और लेकिन जो भी है, मुझे खुशी है कि आज सुबह ही 9 बजे हमने 70,000 पर्यटक निकाल दिए, और हमारा इवैक्यूएशन जो था निकालने का, वो प्रोसेस सब खत्म हो गया। 300-400-500 पर्यटक जो आए हैं वो सेफ जगहों पर है। इस समय एक भी पर्यटक की मृत्यु इस बाढ़ आपदा से नहीं हुई है। जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है और दूसरी जगह हुई है। मुझे खुशी है, मैं सभी प्रशासन के वहाँ अधिकारियों को, सभी पुलिस के अधिकारियों को और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता का भी, जो इस वक्त हिमाचल के साथ खड़ी है। अब जो अगला हमारा कार्य है वो रिस्टोरेशंस का है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, और उस वक्त में हमें जनता का भी साथ चाहिए और आर्थिक मदद भी चाहिए। हमारी सरकार ने कल ही एप्पल जो सीजन था उसको सुचारू चलाने से जितनी सड़कें थी, कल ही 5 सेक्टरों में उसको बांट दिया। हर 15 किलोमीटर के बाद हमारा एक SDO, एक JE रहेगा, रोडों से लेकर चौक तक रोड में, चौक से लेकर चौपाल तक के रोड में, और इस पर एक SDO, एक JE रहेगा। और उसके बाद जो कुमारसेन से आने वाला सेब है, वह सभी लोगों को हमने एक्टिवेट कर दिया है। एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती हम से एप्पल सीजन में जहाँ से सेब निकालना है वहाँ कर रहे हैं। गांव की सड़कों को निकालने के लिए मैंने 50 करोड़ रुपया जारी कर दिया है, ताकि गांव की सड़कें कई बगीचों में हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन मैं सभी
बागवानों से भी अनुरोध करूंगा कि छोटी सी चीज के लिए हमें अभी रुकना नहीं है, कि जहां सड़क में मलबा पड़ा और सड़क टूट चुकी है, वहां अगर सड़क को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत जगह किसी निजी व्यक्ति की जाती है तो वो तकरीबन 15 सितंबर तक उसको दे दे, उसके बाद उस जगह जो है उसकी को ठीक कर दिया जाएगा। और जो रिटेनिंग वाल है उसको लगाने के लिए कह दिया गया है, चुपाल वाला एरिया में भी हमने कह दिया है, जुब्बल, रोडू, कोटखाई, नॉर वैली है, कुमारसैन, ननखड़ी, जहाँ भी एप्पल होता है वो अभी हमने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। एक्स्ट्रा स्टाफ 15 कुल्लू मंडी 15 सितंबर तक हमने एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दिया गया है। और तकरीबन जितना नुकसान हुआ अभी तक राज्य अपने पैसे से इस नुकसान की भरवाई कर रही है। आज ही मैं कुछ अखबारों में देख रहा था कि 180 करोड़ रुपए की किश्त जारी की है, वो एडवांस किश्त है, यानी कि कहने का मतलब वो हमारी सरकार को मिलना ही है, चाहे आपदा आती चाहे आपदा नहीं आती। वो हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उस शेयर में जो हमारा हिस्सा बनता है, सभी राज्यों का हिस्सा बनता है, सभी राज्यों को मिलता है। मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि हमें इंटरिम राहत इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए, और ये जितना भी पैसा है इसको हम एकदम तुरंत प्रभाव से बांट रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार अभी कार्य कर रही है। धन्यवाद। एंड स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।